भौतिक बात पाप करते हैं, पाप करते हैं, परंतु जिसे नहीं पाप करते गुरु भी पाप करते हैं, लौकिक बाप भी पाप करते हैं, टीचर तो कोई पाप नहीं करता, पढ़ाता है, पढ़ाई से तो कमाई होती है, पाप की क्या बात है? लौकिक बाप शादी नहीं कराते तो पाप नहीं हुआ? प्रजापिता इस लोक का ही तो बाप है, वो पाप नहीं करता जन्म जन्मांतर है? फिर और बाबा योग का प्रयोग कैसे? योगी बनेंगे तब तो प्रयोग करेंगे, और योगी बने ही नहीं है, बने हैं भोगी। भोग सामने आया और लपा लप खाया तो योग का प्रयोग कैसे होगा? और बाबा ने तो बहुत पहले कह रखा है कि अपने ऊपर ही प्रयोग करके देखो, कि हम याद में रह करके अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? है जो ज्ञान में चलने वाले ब्राह्मण हैं उनकी भी दवाइयाँ बढ़ती जा रही है, डॉक्टरों की संख्या बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटलों के चक्कर बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे क्यों हो रहा है? हैं? शूटिंग नीचे की ओर जा रही है या ऊपर की ओर जा रही है? रिहर्सल होती है ना, तो पहले सतयुग की रिहर्सल, फिर त्रेता की, फिर द्वापर की, फिर कलयुग की, आखिरी फिर बाप को आना पड़ता है। जैसे ज्ञान है, जैसे पानी है, ऊंची स्टेज से आता है और नीची स्टेज की ओर बहता चला जाता है, ऐसे ही ये शूटिंग का भी हिसाब है। आत्मा की कट उतरने के बाद बाप से डायरेक्ट मुरली सुनेंगे, ऐसा बोला है तो डायरेक्ट माना 76 से मुरली सुनने की बात है या उसके बाद है? कब की बात है? आत्मा की कत दो प्रकार से उतरती है, एक बेसिकली बेसिक ज्ञान सुनते हैं तो बेसिकली उतरती है, एडवांस ज्ञान सुनते हैं और धारण करते हैं प्रैक्टिकल जीवन में तो एडवांस में कट उतरती है, परंतु प्रैक्टिकल ज्ञान धारण करना पड़े, नहीं धारण करते हैं तो फिर 100 गुना पाप का बोझ भी चढ़ता जाता है, 63 जन्मों में 1 गुना पाप का बोझ चढ़ता था, और अभी संगम में अगर वो ही पाप करते हैं तो 100 गुना पाप का बोझ चढ़ता है, तो रिजल्ट क्या हुआ? कट उतर रही है कि चढ़ रही है? है? अगर 100 गुना पाप का बोझ होता जाता है तो
तो कटे बजाय उतरने की और ही चढ़ रही है। भक्ति के संस्कार बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? ज्ञान है सारा बुद्धि में, ज्ञान होने के बावजूद भी अगर हम उल्टा कार्य कर लेते हैं, न चाहते हुए भी कर लेते हैं, तो अवस्था नीचे गिरेगी या ऊपर उठेगी? नीचे गिरती है। तो बोला तो कि संक्षेत्र से बाप प्रत्यक्ष हुए, एडवांस ज्ञान दीना, तो जो जो आत्माएं बेसिक से एडवांस में आती हैं पहले पहले, उनकी अवस्था चढ़ती है या गिरती है? अरे बेसिक में पहले पहले आए तो अवस्था चढ़ी या गिरी? पहले पहले जब आए चढ़ती कला में आए, ऐसे ही बेसिक से जब नीचे गिर करके एडवांस में आए तो अवस्था चढ़ी पहले पहले या गिरी है? चढ़ी है अवस्था, सभी जानते हैं। पहले सत्व प्रधान स्टेज थी, एडवांस ज्ञान भी सात्विक स्टेज में था, फिर जो जो विस्तार होता जाता है क्यों तो ज्ञान में मिक्सरिटी बढ़ती जाती है, संग का रंग में भी विचार फैलता जाता है। तो डायरेक्ट सुनना तो अच्छी बात है, लेकिन सुनने के साथ प्रैक्टिकल जीवन में धारण भी होना चाहिए। अगर धारणा नहीं होती है तो हम नीचे गिरते जाते हैं। और ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ही है, बाहर की दुनिया में भी ऐसे ही है। चोरी करने के संस्कार हैं, वो असंख्य में भरे हुए हैं या थोड़ों में हैं? पतित बनने के संस्कार हैं, 63 जन्मों के संस्कार पक्के पड़े हुए हैं, तो थोड़ों में हैं या सभी में हैं? सभी भोगी हैं या कोई कोई पावन भी बने हैं? हैं? पावन भी बने हैं? कोई बने हैं पावन? कोई नहीं पावन बने? अगर पावन बने तो संगी साथियों को भी पावन बने, जैसे उस दुनिया में कहते थे कि सो हमारा गुरु पार निर्वाण गया, महात्मा बुद्ध पार निर्वाण गया, तो अगर पार निर्वाण गया होता तो अकेला चला जाता क्या? संगी साथियों को लेके नहीं जाता? इस पतित दुनिया में सब पतित हैं, एक भी पावन नहीं। और कृष्ण को चित्रों में 4 घोड़े दिखाते हैं और सूर्य को 7 घोड़े दिखाते हैं, इसका बेहद में अर्थ क्या है? जो कृष्ण दिखाते हैं वो वास्तव में कृष्ण है या स्वयं भगवान है? तो जो भगवान दिखाया गया है वो किस रूप में आता है? भगवान किसके रथ में आया? कहते हैं अर्जुन के रथ में आया। अर्जुन जो पुरुषार्थ का अर्जन करता है, तो प्रजापिता ब्रह्मा क्या हुआ? हैं? अर्जुन हुआ। अब ब्रह्मा है तो ब्रह्मा के शास्त्रों में 4 पुत्र दिखाए हैं, जो 4 धर्मों के बीज हैं, सनत सनातन सनंदन सनत कुमार।
वो ही चार घोड़े दिखा गए। ये संगम युग की बात हो गई। संगम युग में जो कृष्ण है उससे सतयुग कृष्ण का जन्म होता है। सतयुग का कृष्ण उसको सात नारायण पीछे से फॉलो करते हैं, वो ही उसके सात घोड़े हो गए। संगम युग में भी जो सात अष्टदेव आठ अष्टदेव हैं उनमें से पहला है श्री कृष्ण संगम युगी और बाकी सात हैं घोड़े जो घोड़ों के रूप में दिखाए जाते हैं। तो दो पुरुषार्थी हैं, एक संगम युगी कृष्ण और एक सतयुगी कृष्ण। संगम युगी कृष्ण है सूर्य और सतयुग में जो कृष्ण बनने वाला है वो ही ब्रह्मा का रूप में पार्ट बजाता है। सहनशीलता से ही धर्म की स्थापना होती है। तो चार घोड़े दिखाए गए हैं ब्रह्मा को। हाँ बोलो बोलो। बड़ा बड़ा लिखो, ये तो पढ़ने में भी नहीं आता है। ये क्या लिखा है? 4.5 लाख में 2.25 लाख विजयमाला, 2.25 लाख रुद्रमाला है। तो 2.25 लाख विजयमाला में 10% सतयुग में आवेंगे, बाकी लोग त्रेता में आवेंगे। ऐसा बोला है क्या? है कहीं ऐसा सुना पढ़ा है? ऐसा तो कहीं नहीं सुना। ये तो 4.5 लाख बीज हैं, बीज पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं या कम जन्म लेंगे? पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं। ऐसे नहीं कि सतयुग में लोप हो जाएंगे, उनके सतयुग में भी पूरे 8 जन्म होंगे, 9 जन्म होंगे और त्रेता में भी 12-13 जन्म होंगे। पूरे 84 जन्म होते हैं, 4.5 लाख आत्मा होंगे। हाँ जी, एक व्यापी है कि सर्वव्यापी है? राम वाली आत्मा प्रवेश करते, ठीक है, बाप दादा प्रवेश करते हैं बच्चों में, है? ब्रह्मा की आत्मा कैसे प्रवेश करती है? है सूक्ष्म शरीर से प्रवेश, उनका सूक्ष्म शरीर कभी खत्म होगा या नहीं होगा? नहीं खत्म होगा, खत्म होगा तो बीज रूप स्टेज में प्रवेश करेंगे। अभी भी बीज रूप स्टेज में प्रवेश करते हैं, गुलजार दादी में सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करते हैं, तो राम वाली आत्मा में बीज रूप स्टेज में प्रवेश करते हैं। ऐसे ही हम बच्चों की भी बीज रूप स्टेज बनेगी संपूर्ण, तो हम भी दूसरों में प्रवेश करके पार्ट बजा देंगे। मन बुद्धि को ही तो आत्मा कहा जाता है। आत्मा कोई और चीज है क्या? मन बुद्धि ही आत्मा है। और दुनिया तो अभी नमक हटा रहे हैं, हाँ, लेकिन जो
पैदा हो रहे हैं, बुद्धिमान होते हैं, जो भी नए नए आते हैं वो पहले सत्व प्रधान होते हैं, बाद में तमो प्रधान हो जाते हैं। ब्राह्मण बच्चों में भी ऐसे ही है, जो भी नए नए बच्चे आते हैं पहले सत्व प्रधान स्टेज होती है, बाद में वो भी तमो प्रधान हो जाते हैं। और सभी बच्चे सत्व प्रधान नहीं पैदा हो रहे हैं, कोई कोई हैं जो सात्विक स्टेज में पैदा होते हैं। यज्ञ के आदि में सत्य की शूटिंग में 9 लाख को संदेश मिलता है, क्या उसके बाद आने वाले भी नौ लाख के अंदर ही हैं या नहीं? उसके बाद तो नई आत्माओं को संदेश ही नहीं मिल पाया। 1960 तक तो सेवा ही नहीं बढ़ी, और ही जितने 300-400 निकले थे वो घट गए, अपने अपने घरों में चले गए, ज्ञान में से टूट पड़े। जब सेवा बढ़ती है तब संख्या भी बढ़ती है ज्ञान में आने वालों की। तो जब चित्र बनना शुरू हुए हैं, चित्र मूर्ति और झाड़ का जब चित्र बना है 1960 में, तब ब्राह्मणों की जनसंख्या में वृद्धि होना शुरू हुई, तब नई नई आत्माओं को संदेश मिला। और ज्ञान में आ गए, एडवांस में आने से उनका पूरा परिवार ज्ञान में आ जाएगा। तो 4.5 लाख कंचन काया बनते हैं क्या? हाँ बनते हैं। तो कोई शक है क्या? जो ज्ञान में चल रहे हैं अभी एडवांस में, उनके परिवार वाले भी ज्ञान में चल पड़ेंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं होगा? ज्ञान में चलने वालों की संख्या अभी हजारों की तादाद में है, जो हजारों की तादाद है वो राज परिवार की तादाद है। राज परिवार के थोड़े होते हैं और उनको फॉलो करने वालों की संख्या ज्यादा होती है। तो जो फॉलो करने वाले हैं लाखों की तादाद में है। अभी अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, आगे चल के जब आवाज निकलेगी कि बाप आया हुआ है, अखबारों में टीवी में प्रत्यक्षता हो जाएगी, तो जो घर परिवार के लोग अभी विरोध पैदा कर रहे हैं वो ही सहयोगी बन जाएंगे और गहराई से ज्ञान को समझने लग पड़ेंगे। अभी भी समझते तो हैं लेकिन विश्वास नहीं है, इसलिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं, आगे चल के पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। पुरुषार्थ करेंगे तो कंचन काया बनेगी, यथा राजा तथा प्रजा की भी कंचन काया बनेगी। और हाँ जी, जगदम्बा रमा बाबा
हम करते हैं वो पढ़ाने वाली थी ना यज्ञ के आदि में, जब प्रजापिता चला गया तो पढ़ाने वाली कौन रही? जगदम्बा। तो जगदम्बा से प्रभावित हो गई। भक्ति मार्ग में क्या होता है, ज्ञान से प्रभावित होते हैं या भक्ति से प्रभावित हो जाते हैं? बोल बोल करने वालों से प्रभावित हो जाते हैं, बोल बोल करने वालों से प्रभावित हो जाते हैं। बाबा ने मुरली में बोला है, मुरली में नहीं बोला है। मुरली तो 68 तक ही चली है, 18 जनवरी 69 तक। अव्यक्तवाणी में इशारा दिया है कि ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ने के बाद किसी में प्रवेश किए और फिर बाद में पूछा कि मैं मुकर्रर रूप में किस में आऊं। तो बाबा ने गुलजार दादी को नाम दिया। गुलजार दादी से पहले किसी और में प्रवेश किया था क्या? हाँ किया था, प्रवेश भी किया था और संदेश में ये बात भेजी थी कि जिस तन को मुकर्रर करेंगे उसी तन में मैं वहां करके वाणी चलाता रहूंगा। और जैसे ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म शरीरधारी हैं, वैसे मम्मा भी सूक्ष्म शरीरधारी हैं। बच्चों में प्रवेश करके सेवा करते रहते हैं। अपने अपने ग्रुप से हैं हर एक सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा के। जो इस्लामी ग्रुप का है वो इस्लामी में प्रवेश करके सेवा करता है, जो सनातन धर्म के ग्रुप वाले हैं उनमें सनातन धर्म वालों में मम्मा और बाबा प्रवेश करके सेवा करते हैं। चंद्रमणि दादी पंजाबी ग्रुप की हैं तो पंजाबी में प्रवेश करके सेवा करती हैं। और सौदामिनी माना क्या? सौदामिनी माने बिजली। आकाश में जो बिजली तड़कती है ना उसको सौदामिनी कहा जाता है। तो 100 प्रकार के दामन तड़कते हैं एक साथ, तो नाम दे दिया है सौदामिनी। यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा में उतना ज्ञान नहीं था, तो ज्ञान न होने के कारण यज्ञ छोड़कर चली गई। तो क्या उनके साथ साथ सभी सूर्यवंशी चले गए या बाद में नंबर वार गए? सभी एक साथ कैसे जाएंगे? नंबर वार बाद में चले गए। और क्या जो 18 अध्याय हैं, 18 अध्याय के श्लोकों में 17 अध्याय में इस श्लोक का नंबर क्यों नहीं दिया है? अरे
ऐसा है क्या? 18 अध्याय में नंबर तो है, है? क्या नहीं है? 17 अध्याय छोड़ दिया? सभी को कंडक्ट करने के लिए कुछ गीता का श्लोक भी है, उसमें 17 का जो अध्याय है उसमें श्लोक का मैंने कंडक्ट करने के लिए नहीं दिया है। ये क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में आया? श्लोक सीखने के लिए सबको बोल रहे हैं ना बाबा, श्लोक सीखने के लिए सबको बोल रहे हैं। तो उसमें 17वां अध्याय में एक श्लोक भी नहीं दिया पढ़ने के लिए, 17वां अध्याय में एक श्लोक भी नहीं दिया। वो नंबर नहीं दिया सीखने के लिए, ये छपा नहीं होगा वो? नहीं, बाबा जो सिलेक्शन करके जो नंबर दिया ना पढ़ने के लिए, ये पढ़ना है सीखना है करके, तो उसमें 17 अध्याय में एक भी नंबर नहीं दिया सीखने के लिए। नहीं दिया होगा, कोई खास नहीं होगा सीखने के लिए तो नहीं दिया। वो पूछ रहे हैं ये क्या बड़ी बात हो गई। और हाँ जी, बरमूडा ट्रायंगल का आत्मा कौन आत्मा बजाता? बरमूडा ट्रायंगल में कौन आत्मा विशेष का पाठ बजाता? भूत प्रेत आत्मा है। और बाबा में और क्लासेस में जो मुरलीकांड का पॉइंट बताने पढ़ के और बताने के लिए बात चल रही है, तो वो बात इस चीज के लिए जा रही है कि उसको अभी रट्टा लगा करके उसको बताना है कि उसको समझदारी से वो मुरली पॉइंट जान करके बताने की बात है। जिनको भाषा आती है वो उसके गहराई के अर्थों को भी समझेंगे, जिनको भाषा नहीं आती है, कम से कम छोटे बच्चे स्कूल प्राइमरी स्कूल में श्लोक रटते हैं, पद रटते हैं, कविता रटते हैं, तो रट तो लेंगे कम से कम। आगे चल के हिंदी में जब ज्यादा जोर बढ़ेगा तो सब हिंदी बोलने लग पड़ेंगे, तो वो भी हिंदी सीख जाएंगे। बाकी जो ज्यादा होशियार हैं भाषा में, तीखे हैं हिंदी भाषा में, उनका काम है उसकी गहराई में जाना। ऐसे रट्टा लगाने से बाद उसकी, अरे रट्टा लगाने की बात बेचारे क्या करें, छोटे बच्चे हैं, अपने अपने भाषा में अनुवाद लो करके बोलते हैं, हिंदी भाषा बोल ही नहीं सकते हैं, तो कम से कम वाक्य तो याद कर लें। छोटे बच्चे प्राइमरी स्कूल में होते हैं वो गहराई में अर्थों को समझते हैं, या सिर्फ चौपाई को, पद्य को, गद्य को याद करते हैं, क्या करते हैं रट्टा लगा लेते हैं। ऐसे यहाँ भी है, जो भाषा नहीं जानते हैं, छोटे बच्चे हैं, बाबा की भाषा को उतना नहीं समझते हैं, तो कम से कम बाबा के महावाक्यों को रट तो लें, आगे चल के टाइम आएगा तो गहराई से समझने भी लग पड़ेंगे। अनुवाद होकर भी अगर समझदारी से वो अनुवाद तो बाद में, जब पहले भाषा सीखें तब ना अनुवाद हो। टीचरों के द्वारा उसका अनुवाद से और जानकारी तो दे सकते हैं ना कि क्या चीज है, उसका समझा है तो वो जान करके बोल सकते हैं ना हिंदी में। तो टीचर्स के द्वारा अनुवाद नहीं होता है क्या? अनुवाद तो होते हैं, लेकिन अपने भाषा में तो बोल सकते हैं, जैसे हिंदी में बोलना। तो सब थोड़े ही एक जैसा हो जाएंगे, नंबरवार ही रहेंगे कि एक जैसे हो जाएंगे? नंबर वाली जाएंगे। बाबा ने कहा है कि 2012-12 में पृथ्वी अपनी धुरी चेंज कर देगी, ऐसा बाबा ने कहा क्या? वो पृथ्वी की बात ही नहीं है, जो चैतन्य धरती माँ है उसकी बात है कि उसकी बुद्धि पलट जाए, ये हो सकता है।
वो कोई पैंतराबाजी करने लग पड़े, तो फूल पृथ्वी की बात नहीं है, लौटपोट हो जाएगी। और बाबा विदेश में जब बाबा सर्विस करने के लिए चले जाएंगे तो यहाँ भारत में क्लासेस कौन करेगा? अभी भारत में क्लासेस हो रहे हैं तो विदेश वालों को क्लासेस मिल रहे हैं कि नहीं है? नहीं मिल रहे विदेश वालों को? मिल रहे हैं। ऐसे ही विदेश में चले जाएंगे तो भारतवासियों को क्लासेस नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। और सजा देने के लिए तो धूम अपने निमित्त बनती है, धर्मराज और महाकाली। जब पाप करता का दंड एक के द्वारा मिल ही जाता है, पाप एक से ही मिल ही जाता है, फिर भी पाप करता का दंड ही धर्मराज और महाकाली के महाकाली के द्वारा ही दी जाएगा क्या? धर्मराज के दूत कोई थोड़े होते हैं कि ढेर होते हैं? है? धर्मराज के दूत थोड़े होंगे या ढेर के ढेर होंगे? तो जो जिसका निमित्त होगा वो उसको दंड देने का अधिकारी बनेगा। नाम धर्मराज का लिया जाता है, नहीं तो 500 करोड़ आत्माएं हैं, सजाएं तो सब खाएंगी, तो एक धर्मराज सबको कैसे सजा देगा? और अरे अपनी भाषा में बोल दो। पवित्रता के आधार पर शक्तिशाली नहीं है, पवित्रता के आधार पर भी शक्तिशाली तब बनेंगे जब एडवांस ज्ञान लेंगे। इसलिए एडवांस ज्ञान लेने के लिए आवाहन करने के लिए बोला है, विजयमाला का आवाहन करो। अभी अगर शक्तिशाली हो तो बकरी का मिसाल क्यों दिया? बकरी शक्तिशाली होती है या शेर शक्तिशाली होता है? बकरी क्यों कहा? जो कान पकड़ लिया बस उसी के अधीन हो गई। अभी उसका कान अगर एडवांस पार्टी वाले पकड़ लेंगे और मंत्र फूंक देंगे तो फिर वैसी हो जाएगी। है जब आप आवाहन करेंगे। और अभी आप थोड़ा आवाहन करते हैं तो विजयमाला के जो इक्का दुक्का मड़के हैं इधर उधर फैले हुए बिना उनकी सेवा किए आ जाते हैं एडवांस कोर्स करने के लिए। है? हाँ, हम लोग सेवा नहीं करते उनकी, हम उनको एडवांस ज्ञान भी नहीं देते, कोर्स भी नहीं कराते, संदेश भी नहीं देते, लेकिन वो फिर भी फरुखाबाद पहुँच जाते हैं। अभी 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 आपने आवाहन करना शुरू किया है ना, जब आप 100% ताकत लगा के आवाहन करेंगे तो पूरी विजयमाला कूद पड़ेगी। और बाबा
लक्ष्मी को बी के नहीं कहते मुरली में, लक्ष्मी को बी के नहीं कहते कुमारी नहीं कहेंगे, यहाँ ही बी के वाला है, यहाँ ही बी के वाला है, बी के वाला थोड़े, यहाँ तो पी बी के है, यहाँ पी बी के है या बी के है, यहाँ तो पी बी के है, मुरली में कहाँ, लक्ष्मी जब बन जाए, लक्ष्मी का टाइटल मिल जाए तब ही तो लक्ष्मी कहेंगे, अभी बी के है या लक्ष्मी है, बी के है, लक्ष्मी कहाँ है, जब नारायण की बन जाए तब लक्ष्मी, लक्ष्य प्राप्त कर ले तो लक्ष्मी, लक्ष्य अभी प्राप्ति नहीं किया तो लक्ष्मी कहेगी, ब्रह्मा कुमारी है, बीके है, हाँ बाबा मुक्ति आरले मुले विनाशम நடக்குதுங்க, அப்பதான் எல்லா ஆத்மாக்களும் பரந்தாம போகறாங்க, இப்போ முதல்ல ஆத்மாவான நாராயணனுடைய ஆத்மா ஃபர்ஸ்ட் கீழே இறங்குறாங்க, இறங்கின உடனே அவங்க உடம்பு எவ்வளவு காலத்துல கஞ்சம் காயணும், எவ்வளவு காலத்துல முப்பத்தி ஆறுல முழு விநாசம் நடக்குது இல்லையா, அப்ப எல்லா ஆத்மாவும் மேல போகுது இல்லையா, அப்ப முதல்ல ஆத்மாவுல நாராயணன் ஆத்மா முதல்ல வராது, நாராயண ஆத்மா நீச்சே உடம்பு கஞ்சன் காயனும் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு காலத்துக்கு, कंचन काया बनाने के लिए टाइम थोड़ी लगेगा, वो बर्फ के अंदर से निकले और कंचन काया निकला ही बनेगी, कोई टाइम थोड़ा ही लगता है, हाँ जी वो बर्फ से बाहर ही तब निकलेंगे जब उनकी कंचन काया तैयार हो गई होगी, और चंद्रवंशी का कोई है अभी या कोई बाद में आएगा, पूछ रहा है भाई चंद्रवंशी का कोई सब मर गए, चंद्रवंशी वाले आप चंद्रवंशी में नहीं थे पहले, आप चंद्रवंशियों से इधर आए ना, ब्रह्मा को अपना बाप मानते थे कि नहीं, तो चंद्रवंशी से आए ना, ऐसे ही और भी आते जा रहे हैं, और பதினெட்டுல சிவபாபா பிராமண உலகத்துல மட்டும் பிரத்யட்சம் ஆவாரா இல்ல உலகம் முழுவதும் பிரத்யட்சம் பிரத்யட்சம் சூரிய கே சாத் கோடே சூரிய கே இசானோ பர் பஹலே சலேங்கே कि सारी दुनिया चल पड़ेगी, घोड़े पहले इशारे पर चलेंगे, घोड़े पहले इशारों को मानेंगे, जो इशारे पर चले हैं, इशारे को माने वो है देवता, तो पहले पहले जो इशारा समझे वो है पहले पहले देवता, बाकी नंबर वार, பாபா வீ கே மொழியில வரதான் தியானம் வரதான் கேள்வி பதில் அப்புறம் காரணம்ட்டு நாலு பேரும் பார்த்தா வந்து முறையில சொல்றாங்க, ஆக்சுவலா இருக்கா இல்ல அவங்க இண்டிவிஜுவலா சொல்றாங்க,
बीके का मुरली में तो पहले तो क्वेश्चन आता है, बाद में तो वरदान आता है, वो बनाया जो बाबा मुरली चलाते थे उसमें क्वेश्चन नहीं होते थे पहले, ये क्वेश्चन तो देहधारियों ने डाले हुए हैं, वरदान वगैरह देहधारियों ने डाले हैं, हेडिंग वगैरह देहधारियों ने डाले हैं। बाबा की जो मुरली चलती थी उसमें तो शुरुआत में बस रिकॉर्ड होता था, गीत बजता था बस, और बाबा की मुरली शुरू हो जाती थी, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं। ये तो मुरली को काटने के लिए, मुरली को काट पीट करने के बाद जगह कम हो जाती है उसको भरने के लिए क्वेश्चन आंसर डाला गया है। रखना करके बोला, वो तो हक में बोला या देह में बोला करके पूछ रहे, माया नहीं आ सकता मन और बुद्धि को तो कहीं भी बिजी रखेंगे, हद की दुनिया में बिजी रखेंगे तो माया आ सकती है, क्योंकि हद की दुनिया में तो होटल भी है और होटलों में नाच गाना तमाशा और विकारों की दुनिया चलती ही रहती है, वहाँ बिजी रखेंगे तो विकार बढ़ेंगे घटेंगे, तो बेहद में अगर बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया में बिजी रखेंगे तो फर्क पड़ेगा। और ओम शांति। हाल अभी छोटा हो गया, क्या करेंगे? पांच हजार वर्ष की हिस्ट्री बताई जा सकती है या लाखों वर्ष की हिस्ट्री बताई जा सकती है? बुद्ध योग से सोचो, ढाई हजार वर्ष की हिस्ट्री मनुष्य की क्यों मिल रही है प्रूफ और प्रमाण सहित? उससे ऊपर का कहां गया? जितने भी धर्म चल रहे हैं दुनिया में उनकी जो तवारीखें हैं, उनकी जो तिथियां हैं, चाहे ख्रिस्त संबत हो, चाहे ईसवी संबत हो, चाहे विक्रम संबत हो, ये 2500 वर्ष के अंदर ही क्यों है? इससे पहले की क्यों नहीं है? दुनिया तो लाखों वर्ष पुरानी है मनुष्यों की, इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित हुआ कि दुनिया के जितने भी झूठे धर्म हैं वो 2500 वर्ष के अंदर स्थापन हुए हैं। एक देवी देवता सनातन धर्म है जिसकी कोई तवारीख नहीं है। ये विक्रम संबत भी अभी शुरू कर दिया है, इसका तो नाम ही है विक्रम संबत, जब से विक्रम शुरू हुए। देवताएं तो सुकर्मी थे, विकर्म करने वाले नहीं थे, उनकी तो कोई हिस्ट्री ही नहीं है। पुराण पंथी को हिस्ट्री नहीं कहा जाता है, वो कोई प्रूफ और प्रमाण नहीं है। तो 2500 वर्ष की दुख की हिस्ट्री मिल रही है मनुष्यों की। दुख होता है तो आदमी दिन गिनता है, तब हिस्ट्री बनती है। जो सुखी ही सुख में रहते थे उनको हिस्ट्री की दरकार ही नहीं थी।
वो तवारीखे नहीं गिनते थे, दिन नहीं गिनते थे। तो दुख की दुनिया जब से शुरू हुई है तब से रात शुरू हुई है अध्यारी, अज्ञान की रात। उससे पहले दुनिया में 2500 वर्ष दिन था, उसकी तवारीख रखने की दरकार नहीं है। ये सच्ची बात बाप आकर के बताते हैं कि आधा दिन है, आधा सुख, आधा रात है। दिन और रात का ये चक्र सदैव चलता ही रहता है। 2500 वर्ष की दिन, 2500 वर्ष की रात, ये कभी चक्र समाप्त होने वाला नहीं है। बोला कि सभी पुरुष जीवन है, बोला तुम सब नंबर वन अर्जुन हो, है तुम सब नंबर वन अर्जुन अर्जुन हाँ जी। तो अर्जुन है तो फिर जीवन जीवन क्यों है, फिर वो कैसे क्यों होता है, कैसे क्या होता है? अर्जुन है तो दुर्योधन तो शासन नंबर वार अर्जुन है, नंबर वार दुर्योधन दुशासन। ऐसे थोड़े ही कि प्रजापिता दुर्योधन दुशासन नहीं है। प्रजापिता दुर्योधन दुशासन है या नहीं है, है? वो भी दुर्योधन दुशासन है। परसेंटेज में है या परसेंटेज से बाहर है, वो भी परसेंटेज के अंदर है। कोई की परसेंटेज कम, कोई की परसेंटेज ज्यादा। बोला कि सभी इस समय सभी पुरुष और स्त्री पुरुष को रावण बताया, स्त्री को माया बताया, एक शब्द नहीं बताया। सभी पुरुष और स्त्री माया रावण, हाँ सभी स्त्रियाँ माया का रूप हैं, सभी पुरुष दुर्योधन दुशासन रावण का रूप हैं। तो इससे साबित होता है कि तो स्त्री भी रावण है और पुरुष भी दुर्योधन है। और क्या, और क्या तुम क्या किसी को देवता समझते हो यहाँ? हैं? क्योंकि पहल करते हैं, स्त्री जाति पहल नहीं करती है। विकारों के मामले में स्त्री पुरुष के बीच में पहल करने वाला कौन है? विकारों के लिए निर्लज्ज कौन बनता है? अरे बताओ ना, तुम्हारे अनुभव की बातें हैं, हाँ ना तो करो। नहीं, तो हर जगह नहीं होता है। हर जगह नहीं होता है तो ज्यादातर कहाँ होता है? ज्यादातर पुरुष होता है। तो ज्यादातर पुरुष दुर्योधन दुशासन, वही बात बाबा ने कही, सुपन का पूतना कोई कोई होती है, बाकी तो सब द्रौपदी हैं। पुरुष सारे दुर्योधन दुशासन है, एक भी पुरुष ऐसा नहीं है जो दुर्योधन दुशासन हो। क्यों? क्योंकि उसका बीज ही परसेंटेज में दुर्योधन दुशासन है। अष्टदमन की जो शिफ्ट 8 शिफ्ट के लिए कंपटीशन थी वो समाप्त हो गई, टू लेट का बोर्ड लग गया ऐसे बाबा ने कहा। तो वो 8 जो है वो रुद्रमणा के 8 है या रुद्रमणा 4 और विजयमणा 4? रुद्रमाला के जो पहले 4 तैयार होते हैं उन 4 के साथ साथ कंप्लीटनेस तभी होगी जब उनकी युगलें भी देखने में आवे, नहीं तो अधूरा धर्म है या संपूर्ण धर्म इस पालन किया है। धर्म संपूर्ण तभी है जबकि देवी देवता धर्म है, और देवी देवता प्रवृत्ति मार्ग के होते हैं या निवृत्ति मार्ग के होते हैं, हैं? प्रवृत्ति मार्ग के होते हैं। प्रवृत्ति तभी पूजनीय होगी जबकि 2 हो, नहीं तो रुद्रमाला निवृत्ति मार्ग की माला है, सिंगल की माला है या डबल की माला है, सिंगल की माला है। विजय माला तो अभी आई नहीं है ना? हैं? विजय माला अभी आई नहीं है। विजय माला भी आई नहीं है। तुम कहाँ से आए हो? है? तुम कहाँ से आए हो? अरे वहीं से आएगी नहीं, लेकिन वो अभी निकली नहीं है, तुम निकल आए हो। अंतर इतना है, तुम बाप के बच्चे बन गए, वो बाप की बच्ची
नहीं बनी, वो ब्रह्मा की बच्ची है अभी तक। कैसे लीडर बन जाता है बाद में आके, लीडर बन जाता है बाद में आकर के, अगर सहयोगी ज्यादा बन जाए तो प्रिंसिपल का पद ले सकता है कि नहीं ले सकता है? ले सकता है। और प्योरिटी में सहयोग ज्यादा होता है, इम्प्योरिटी में सहयोग ज्यादा होता है। जिसमें प्योरिटी ज्यादा है जन्म जन्मांतर की, वो ज्यादा सहयोगी बन जाएगा। हाँ जी, भक्ति मार्ग में जगन्नाथ को आम और धाम क्यों दिखाया? क्या दिखाया? आधे अंग, बाहें कटी हुई हैं। इसका मतलब है उनके जो सहयोगी हैं, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, जगदम्बा और जगत जननी, वो दोनों अलग हो गए। न लक्ष्मी सहयोगी है न जगदम्बा सहयोगी है, दोनों भुजाएं कटी हुई हैं। हैं कि नहीं? अभी अभी दोनों सहयोगी हैं या कटे हुए हैं? कटे हुए हैं। प्रवृत्ति रेशा भूतांग निवृत्तिस्तु महाफला, प्रवृत्ति रेशा भूतांग निवृत्तिस्तु महाफला, इसका अर्थ क्या है? प्रवृत्ति और निवृत्ति का प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति रेशा भूतांग निवृत्तिस्तु महाफला। अरे क्या पूछना चाहते हो तो बताओ। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, इसका डिफरेंस क्या है? प्रवृत्ति माने दो साथ साथ स्त्री पुरुष, और निवृत्ति माने अकेले। इसे पूछना क्या है? निवृत्ति माने निवृत्त हो गए, अलग अलग हो गए, तुम अलग हम अलग, और प्रवृत्ति माने हम साथ लेके चलेंगे। हाँ, खारा भी है और मीठा भी है, जब बादल खींच कर बरसाती है। हाँ, इसका बेहद का अर्थ ये है कि सागर कौन है, सागर का पार्ट किसका है? है राम वाली आत्मा प्रजापिता का पार्ट है सागर, जो धरणी से चिपक के रहता है, सूर्य चिपक के रहता है या सागर चिपक के रहता है? सागर धरणी से चिपक के रहता है, अलग नहीं हो सकता। और सूर्य, सूर्य धरणी से कभी चिपकता नहीं है, पांच तत्वों से भी नहीं चिपकता। तो सागर जो है वो खारा भी और सागर मीठा भी, माने प्रजापिता मीठे से मीठा भी है। जो मित्रवत पार्ट बजाते हैं उनके लिए मीठा है, और जो अकारण ही शत्रुवत अहेतुक ही शत्रुवत पार्ट बजाते हैं, टेढ़ी आंख से देखते हैं, उनके लिए टेढ़ा भी है, अच्छों के लिए अच्छा भी है और बुरों के लिए बुरा भी है। तो मीठा भी है और खारा भी है। बादल मीठा पानी ही बरसाते हैं। जो भी बच्चे हैं प्रजापिता के, जो ज्ञान जल भरते हैं सागर से, तो ज्ञान जल भरेंगे तो क्या बरसाएंगे? ज्ञान जल ही बरसाएंगे ना। कोई ऐसे हैं कि सागर में कीचड़ भी अथाह भरा हुआ है और सागर में रतन भी अथाह भरे हुए हैं। कोई रतन खींचने वाले बच्चे हैं, कोई कीचड़ ही कीचड़ अवगाहन कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है? ये कैसे रह रहा है? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये महाहरामी है। बाबाओं का बाबा, आज के बाबाओं का सरपरस्त यही बाबा है। ऐसे ऐसे देखते हैं। तो सागर और रतन दोनों हैं सागर में, सागर में रतन भी भरे पड़े हैं, सागर में किचड़ा भी भरा पड़ा है। ये लेने वाले के ऊपर है कि वो सागर में से रतन निकालता है या अच्छा जो बादल होंगे वो क्या उठाएंगे? वो ज्ञान रतन ही उठाएंगे, मीठा पानी ही उठाएंगे, कचरा नहीं उठाएंगे। तो बादल वो है जो ऊंची स्टेज में जाते हैं और ऊंची स्टेज में जाकर के हिमालय से टकराते हैं।
हिमालय माने हिम, आलय आलय माने घर, हिम माने बर्फ, जो बर्फ का घर है। क्या, कौन है बर्फ का घर? जिसकी बुद्धि जाम पड़ी हुई है बर्फ से, कौन है वो? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा की बुद्धि जाम हुई पड़ी है बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। पार्वती के बाप का नाम क्या है? हिमालय। तो हिमालय पहाड़ से वो बादल जाकर के टकराते हैं। यहाँ कितने ऐसे बादल बैठे हुए हैं जो टकरा रहे हैं? वो अपने अंदर से पूछे टकराएंगे तो फिर बरसात ही बरसात, ज्ञान जल की बरसात ही बरसात बरसाएंगे। और राजा पिता ने बाहर जावे, ठीक है। शिव बाबा जब राजा पिता में प्रवेश करता है तो गुप्त मेल लिख करके बता दे, अरे गुप्त मेल, अरे गुप्त मेल लिख करके क्यों बताए? पोता मेल, पोता मेल तो गुप्त में ही बताना चाहिए। पोता मेल तो कचरा मेल है। कचरा दुनिया में फैलाना अच्छा है या सागर में डालना अच्छा है? नदियां भी कचरा उठाती हैं सबका। ये जो निमित्त कन्याएं माताएं हैं यज्ञ में, जो निमित्त कन्याएं माताएं बनती हैं, वो भी पोता मेल ग्रहण करती हैं। पोता मेल ढेर के ढेर लोगों के आते हैं उनके पास, तो वो नदियां हैं, वो नदियां कुछ तो किनारे पर फेंक देती हैं, उनके पेट में टिकता नहीं है। और ज्यादातर ले जाके कचरा कहाँ डाल देती है? समंदर में, सागर में डाल देती है। तो प्रश्न यहाँ अंतर्यामी है तो पोता मेल क्यों दिया है? हाँ, ऊपर वाला अंतर्यामी है, नीचे वाला बहर्यामी। ऊपर वाला कोई भी काम नीचे वाले के बगैर करता है क्या? तो नीचे वाले को कैसे पता चले? इसलिए एक एक बात नीचे वाले को पता होनी चाहिए। ऊपर वाला तो है तो नीचे वाले का अंदर में ना। ऊपर वाला 500 करोड़ का बाप है और नीचे वाला उन 500 करोड़ के जो बीज हैं उनका सच्चा बाप है। नहीं समझ में आया? उन 500 करोड़ में सच्चाई ज्यादा होगी या 4.5 लाख में ज्यादा सच्चाई होगी? 4.5 लाख में सारी सच्चाई भरी पड़ी है। इसलिए प्रजापिता को हर बात मालूम होनी चाहिए। बच्चों का सारा पोता मेल बच्चे के बाप के पास होना चाहिए, तो पता चले कौन सा बच्चा वर्षे का अधिकारी है और कौन सा बच्चा वर्षे का अधिकारी नहीं है। क्योंकि मुरली में बोला है जो अंदर एक और बाहर दूसरा, वो इस ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत खौफनाक खतरनाक है। तो ऐसे खौफनाक खतरनाक कब पता चलेंगे? सच्चा पोता मेल दिए बगैर पता चल जाएंगे क्या? नहीं चलेंगे। बाबा जो पोता मेल तो बाबा को देना चाहिए और सेंटर इंचार्ज को देना चाहिए? बाबा अवेलेबल है, जिसको सागर मिल गया वो गद्दा गड़ीचियों को क्यों उठाएगा? अगर सागर अवेलेबल नहीं है और कोई पोता मेल ऐसा बन गया कि हम वहां तक नहीं पहुंचा सकते, तो जो प्रोसीजर बना हुआ है वहां डाल दो, हमारा पाप खत्म, हमारे ऊपर पाप नहीं रहेगा। हमने जिस क्षण से दिया उसी क्षण से हमारा आधा कट होना शुरू हो जाएगा। पाप उसके ऊपर जाएगा जो उसे छुपाएगा या दबाई रखेगा या उसमें से पढ़ करके खुद ग्रहण कर लेगा। ये तो कचरा है, ये विष है, ये निंदा, इससे निंदा फैलती है। पोता मेल पढ़ने से, पोता मेल फैलने से
वो निंदा रूपी विष कौन के मुख में जाना चाहिए? शंकर के मुख में ही जाना चाहिए, औरों के मुख में नहीं जाना चाहिए। और ये पोता मेल निकलता ही तब ज्यादा है जब सागर मंथन होता है। ये संगम युग में ही सागर मंथन होता है, संगम युग में ही दुनिया पलटती है। जब दुनिया पलटती है तो 100 गुना ये पोता मेल इकट्ठा हो जाता है। एक पाप किया 100 गुना बढ़ गया, 100 गुना बढ़ गया तो पोता मेल भी 100 गुना बढ़ जाता है। अति का विष पैदा होता है। सागर मंथन से पहले ये विष नहीं निकलता है, निंदा रूपी विष निकलता है तो थोड़ा बहुत निकलता है, अति का नहीं निकलता है। और शादी के समय, दूल्हा दुल्हन जो चावल लेके जाते हैं, शादी के समय दूल्हा दुल्हन जाते हैं, समय के अंदर चावल की अंजलि लेके जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अंदर, अपने घर के अंदर जब घुसते हैं। हाँ, तो उसका मतलब क्या है? मतलब जब लक्ष्मी नारायण संपन्न बने थे तो अपनी अंजलि में आत्माओं की अंजलि भर के गए थे या देह अभिमानी धन भर के गए थे? हैं, आत्माओं की अंजलि भर के गए। सब वहाँ आत्म की स्थिति में रहने वाले बच्चे होंगे। ये लंबे कान वालों ने भी नहीं सुन पाया, हम कहाँ सुन पाएंगे। चंद्रग्रहण और सूर्य पर्याप्त, चंद्रग्रहण और सूर्य पर्याप्त जो होती है। अरे वही बातें बार बार पूछते रहो कि मुरली भी सुना करो, कभी रेगुलर मुरली सुनो तो बार बार वही बातें नहीं पूछनी पड़ेंगी। 20 बार ये बात समझाई होगी। कोई ने, हाँ बच्चा है ना उनका, कार्तिक का गणेश के साथ नाम काशी, कार्तिक जो है वो टिक टिक ज्यादा करता है। ज्ञान नहीं है, ज्ञान को नहीं ग्रहण करता। और गणेश ज्ञान को ग्रहण करने वाला है। इसलिए दो बच्चे हैं भगवान को, एक राक्षस एक गुरु, देहधारी धर्म गुरु लोग, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक, और एक गणेश, गणेश माने ब्रह्मा जी। हाँ, ऐसों की सवारी करता है जो अंदर ही अंदर सारा पोला कर देते हैं। ये एडवांस पार्टी सारा पोला कर रही है ब्रह्मा कुमारियों के आधार को। अभी जहाँ जहाँ ये स्टिकर पहुँचेंगे उनके सारे जिज्ञासु खोखले हो गए नीचे से। हाँ, एक एक पूछो, सब इकट्ठे पूछ जा रहे। मतलब खाने वाला क्या चीज है? हाँ, लेकिन वो एक परिवार में कैसे रहते? यही तो बात है, ये 500 करोड़ की दुनिया है। सब 500 करोड़ की दुनिया में सब धर्म एक दूसरे को टकराने वाले हैं, लेकिन नारायण का पार्ट ऐसा है जिसकी सबसे बन जाती है। हैं? जो पहले ज्यादा पूछते हैं उनको क्या कहते हैं? बेधर्मी।
है बुद्धू देवताएं बुद्धू होते हैं अच्छा भाई लोगों को घर याद आ रहा है देर हो रही है अरे हमारे पास प्रूफ आ गया